अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जायदाद डॉट कॉम डॉट पी के से सैयद वकास। सबसे पहले तो व्यूअर्स कैसे हैं आप लोग? और व्यूअर्स मेरी रिक्वेस्ट है, ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये ईडन लैंड में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट 2009 से शुरू की थी इंस्टॉलमेंट के ऊपर, ये उसके ऊपर वीडियो है। क्योंकि आज मैं ईडन वालों पर बात करना चाहता था, क्योंकि मैंने ईडन वालों की कल कुछ एक्टिविटी देखी थी, उसके ऊपर मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करना चाहता हूँ, थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट्स ईडन लैंड में फंसी हुई है, ईडन लैंड में, उन लोगों को अगले कुछ दिनों में क्या करना चाहिए ताकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सही तरीके से पाया तकमील तक पहुंचा सके, और उनको भी कुछ प्लॉट्स वगैरह जो उन्होंने ख्वाब देखे थे, इंस्टॉलमेंट्स दी थी 2009 से 2014 पाँच साल के अरसे में, तो उन लोगों को भी उनके प्लॉट्स मिलने चाहिए। क्योंकि देखें, 10 मरले का जो प्लॉट था ईडन लैंड वालों ने, वो 22 लाख रुपए का बेचा था, 21,98,000 रुपीज़ का, जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर था। ईडन आपको पता है एक पुराना प्रोजेक्ट करते थे, ये हमेशा करते थे, इनका ठोकर न्याज बेग पे इनका प्रोजेक्ट था, फिर इन्होंने गज्जू मत्ता की स्कीम पास कर दी, फिर इन्होंने ईडनाबाद की शाबाने मीन के अंदर बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से डिलीवर कर रहे थे, लेकिन एकदम से आके DHA वैली और एक दो और प्रोजेक्ट्स में इन्होंने इतनी ज़्यादा बेजाबतगियाँ की, करप्शंस की जिसे हमें कहना चाहिए, कि इनका नाम बदनाम हुआ। इन्हें नैब का फिर सामना करना पड़ा, नैब के अंदर इनके CEO का थोड़ा सा क्या नाम लेते हैं, प्ली बार्गेन का भी काम चला, वो इनके CEO को ले भी गए, हम आदर्श साहब को, ये सब खबरें हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया, हमारी न्यूज़पेपर्स, इन सब की जीनत बनी कि हम आदर्श साहब को उठा के ले गए, और ये सब कुछ हुआ। अब क्या हुआ कि कल मुझे इत्तफाक से मेरे कस्टमर जो थे, वो शायद वो ये वीडियो भी देख रहे हो, ठीक है, तो इत्तफाक से हुआ क्या कि कल मेरी उनसे दो तीन दिन से ऑस्ट्रेलिया से बात हो रही थी, तो उनके वालिद साहब ने यहाँ आना था मुल्तान से लाहौर मेरे से कुछ बाय करने के लिए ग्वादर में, तो जब मैंने उन्हें पिक किया तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने शाबाने मीन ईडनाबाद जाना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। कहते हैं जी ईडन वालों का मुझे लेटर आया कि आपके प्लॉट का पोजेशन तैयार है। मैंने कहा ईडन वालों का आपको लेटर आया? ईडन तो दौड़ गया था सुना है। कहते हैं हाँ जी बिल्कुल, पिछले दिनों हम 33 बंदों ने, 33 में से एक वो भी थे, 33 बंदों ने जाके ईडन पे प्रेशर डाला नैब में कि हमें हमारे पैसे वापस नहीं चाहिए, हमें कोई कटौती करके हमारे पैसे वापस नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे हक का प्लॉट चाहिए जो हमने खरीदा था, जो हमने आपसे खरीदा था ईडन लैंड के अंदर। ईडन लैंड इन्होंने एक स्कीम काटी थी गज्जू मत्ता के करीब, गज्जू मत्ता ये फिरोजपुर रोड के ऊपर अगर आप जाएं तो गज्जू मत्ता इज़ अ लास्ट मेट्रो स्टॉप, ये जो रेड कलर की बस चल रही है फिरोजपुर रोड के ऊपर, कलमा चौक से भी गुजरती है, मैं इस वक्त कलमा चौक पे बैठा हूँ, वो उसका जो लास्ट स्टॉप है टूवर्ड्स कसूर, उस जगह का नाम है गज्जू मत्ता। गज्जू मत्ता के ऊपर ही बिल्कुल आप देखेंगे कुछ फ्यू मीटर्स के ऊपर, 100 मीटर्स के ऊपर, 100 मीटर कह लेते हैं, 100 मीटर्स के ऊपर से रिंग रोड भी गुजर रही है, और रिंग रोड गुजर गई भी है, आप सब जानते हैं 22 दिसंबर को उसका इफ्तिताह हुआ था। तो वहाँ ही ईडन लैंड ने एक सोसाइटी काट के लोगों को ख्वाब दिखा के ये प्लॉट बेचे थे कि आप 2009 में हमसे 10 मरले का प्लॉट 21,98,000 रुपये का ले लें और हम आपको 2014 में ये प्लॉट डिलीवर कर देंगे। फिर 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ये 4 साल ऐसे गुजरे कि ईडन का कोई ऑफिस भी खुला हुआ नहीं मिला लोगों को, लोग ईडन के ऑफिस फ़ोन करते थे तो सही तरह से उन्हें जवाब नहीं दिए जाते थे, लोग ईडन के ऑफिस जाते थे तो ईडन अपना ऑफिस शिफ्ट कर रहा था कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, ठीक है। अभी भी आप जाएं, मैं कल गया हूँ 13 फरवरी 2018 मैं कल गया हूँ, ईडन का जो ईडन लैंड वाला ऑफिस है वो बंद पड़ा है। कल मेरी मुलाकात ईडन के ईडनाबाद खैबाने मीन में, जो ईडनाबाद एक छोटी सी सोसाइटी बनाई थी, वहाँ ईडन के ऑफिस में लोगों से हुई, तो मैंने उनको ये कहा कि यार आप इसके ऊपर कोई तशहीरी मुहिम क्यों नहीं करते, आप इसे एडवर्टाइज़ क्यों नहीं करते कि वी आर गोइंग टू सेटल प्लॉट्स ऑफ एवरीवन। तो उन्होंने कहा जी हम इसको एडवर्टाइज़ नहीं कर सकते, एडवर्टाइज़ वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि फिर बल्क में प्रेशर आ जाएगा, लेकिन हर सोसाइटी इंक्लूडिंग DHA, बहरिया टाउन या ग्वादर की जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वो लोगों को इंस्टॉलमेंट से प्लॉट दे रही हैं। इंस्टॉलमेंट देना आसान काम नहीं होता व्यूअर्स, इंस्टॉलमेंट हर बंदा अपनी कैपेसिटी में तंग हो के ही देता है और अपनी कुछ ख्वाहिशात को मार के ही देता है, ठीक है। तो ये हर वो सोसाइटी, अगर कोई सोसाइटी ये वीडियो सुन रही है तो हर वो सोसाइटी को ये जान लेना चाहिए कि हम लोग अपनी ख्वाहिशात मार के आप लोगों को इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं,
ये आपका हक बनता है कि हमें प्लॉट्स डिलीवर करें, और हर वो बंदा जो रियल एस्टेट की बेहतरी के लिए काम करना चाहता है, ये उसका हक बनता है कि अगर उसे कोई चीज़ बेहतर पता चली है तो वो दूसरे को बताए। इसमें मेरा कोई मुफाद नहीं है ईडन वाले इस वीडियो में, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो शेयर करें ताकि शायद ये वीडियो किसी ऐसे बंदे तक पहुँचे जिसने ईडन लैंड में 5 मरले का 10 मरले का 8 मरले का 1 कनाल का कोई भी इन्वेस्टमेंट उसने की थी। तो प्लीज़ ईडनाबाद में ईडन वालों के ऑफिस जाएँ, अपने सारे पेपर्स लेके जाएं कि हमने ये अमाउंट्स ऐसे 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 सेटल की थी। आपकी अमाउंट्स बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, नंबर वन। आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, नंबर टू। आपके पास आपका वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए, और ओनर ही जाएगा, कोई ओनर का बेटा बेटी नहीं जा सकते, वो ना जब तक सक्सेशन सर्टिफिकेट, अगर वो जिंदा है तो ठीक है, अगर वो फौत हो गए तो जब तक सक्सेशन सर्टिफिकेट्स नहीं बने हुए आप लोग एज अ बेटा बेटी करके नहीं जा सकते, ठीक है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी फाइल, अपनी पेमेंट्स की रिसीट्स, अपनी पेमेंट्स के जो जैसे जैसे आपने पेमेंट सेटल की हैं वो आपको एक बैलेंस शीट बना के देते थे ईडन वाले, वो अपना आईडी कार्ड, वैलिड आईडी कार्ड लेके उनके पास जाएं, उनको कहें देखें हमने ईडन लैंड में प्लॉट खरीदा था, हमें 10 साल हो गए, एंड आई एम श्योर जब आप जाके ये कहेंगे आपको प्लॉट मिल जाएगा। अच्छी और बुरी चीज़ें दोनों होती हैं। मैं आपको अच्छी साइड भी दिखाता हूँ रियल एस्टेट की, मैं आपको बुरी साइड भी दिखाता हूँ रियल एस्टेट की। अब ईडन वालों ने एक अच्छा काम किया, चाहे नैब के प्रेशर में आके, चाहे नैब से डर के, या चाहे अब उन्हें याद आ गई लोगों की, या उन्होंने कोई नया प्रोजेक्ट भी करना हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैंने खुद देखा है ईडन लैंड में जिन्होंने चीज़ खरीदी थी उनको ईडन गार्डन एक्सटेंशन के नाम से एक प्रोजेक्ट है ईडन वालों के, उसके अंदर एडजस्ट किया जा रहा है। एडजस्टमेंट का एक थोड़ा सा बैड सिनेरियो भी है। बैड सिनेरियो ये है कि मेरा क्लाइंट, जिसकी मैं वजह से आपको ये सारी बात सुना रहा हूँ, रुदात सुना रहा हूँ, उन्होंने 21,98,000 का 10 मरले का प्लॉट खरीदा था, लेकिन उनको ईडन लैंड से ईडन गार्डन एक्सटेंशन में शिफ्ट किया गया। ईडन गार्डन एक्सटेंशन में जब शिफ्ट किया गया तो उनको 10 मरला से कम करके 8 मरले का प्लॉट दिया गया, और वो 8 मरले का प्लॉट बनता था 20 लाख रुपए का, और उन्होंने दिए हुए थे 21,98,000। तो ईडन वालों का कहना ये था कि आप ये प्लॉट ले जाएं, ये 20 लाख रुपए का प्लॉट है, 1,98,000 आपके क्रेडिट में हमारे पास पड़े हैं, और इसकी एडजस्टमेंट पॉसिबली मेरे ख्याल में ऐसे होगी कि जब अगर कभी आप ये प्लॉट बेचेंगे तो आप जिसको बेच रहे होंगे उसको कहेंगे कि हमारा 2,50,000 या जितने भी पैसे हमारे ईडन वालों के पास पड़े हैं, आपने उनको ट्रांसफ़र फीस नहीं देनी, आपने वो पैसे हमें ही देने हैं। ये पैसे अब ऐसे रिकवर होंगे, ईडन वाले शायद आपको इसकी रिकवरी इन कैशमेंट से ना दें, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपने 10 मरले का प्लॉट खरीदा तो आपको 10 मरले का ही मिल जाए, आपकी एलोकेशन पे है, पॉसिबिलिटी कम है लेकिन है कि शायद आपको 10 मरले का ही प्लॉट मिल जाए। तो व्यूअर्स, इस वक्त वो लोग जिन्होंने ईडन में इन्वेस्टमेंट की थी किसी भी नाम से, ईडन लैंड के नाम से, ईडन गार्डन एक्सटेंशन के नाम से, ये उनका राइट बनता है वो ईडन वालों के ऑफिस जाएं। ईडनाबाद ख्याबाने मीन में ईडन वालों का ऑफिस है, ख्याबाने मीन के अंदर ईडनाबाद एक छोटी सी सोसाइटी ईडन वालों ने बनाई थी, वहाँ उनका ऑफिस है, वहाँ जाएँ, अपने पेपर साथ लेके जाएँ, जो पेपर्स मैंने बताए हैं दोबारा से बता रहा हूँ, अपनी सारी फाइल, अपनी सारी पेमेंट्स की डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट्स की रिसीट्स के कैसे कैसे आपने उन्हें पेमेंट किया, उन्होंने आपको एक बैलेंस शीट दी होगी, वो आपका लेटर, आपका आईडी कार्ड, और इस डॉक्यूमेंट, इस प्रोसेस से रिलेटेड या इस प्लॉट से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे लेके जाएं और जाके उनको कहें कि काइंडली एडजस्ट अस। देखिए, जिनको तो पता चल जाएगा वो एडजस्टमेंट्स ले लेंगे, बाद में डेवलपर कहेगा जी मैंने एडजस्टमेंट्स दी थी, आप सोए हुए थे। तो सर जागें, ईडन वालों के ऑफिस जाएं और उनसे पूछें कि आपकी एडजस्टमेंट्स कैसे होनी है, कहाँ होनी है। एटलीस्ट आप लोगों का इस वक्त एक मुहिम बनी हुई है, ईडन वालों का ऑफिस खुला हुआ है ईडनाबाद में, वो एटलीस्ट आपको आंसर तो करें ना, आपको एडजस्ट नहीं कर रहे, आंसर तो करें, ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल है ईडन अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए और किसी लिटिगेशन में ना पड़ने के लिए अब लोगों को एडजस्ट करेगा, और अब लोगों को एडजस्ट कर रहा है। एक बहुत अच्छा ब्रांड नेम था ईडन रियल एस्टेट का, और इन्होंने अपनी रेपुटेशन ज़ाया की पिछले 3-4 सालों में। आई डोंट नो इनके साथ क्या वजूहात हुई, मैं इस चीज़ पे बात भी नहीं, अभी बात नहीं करना चाहता, फिर किसी दिन बात करेंगे।
लेकिन अभी ये सिर्फ वीडियो इन लोगों के लिए है जो ईडन में किसी ना किसी नाम से इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। मेरे भाइयों प्लीज उनके ऑफिस जाओ और अपनी इन्वेस्टमेंट का एटलीस्ट उनसे पूछो, हो सकता है आपकी एडजस्टमेंट्स हो जाएं, और एडजस्टमेंट्स हो जाएं तो हमारे लिए सिर्फ ये एक छोटा सा काम कर दें कि हमारी वीडियोज को शेयर कर दें और हमारे लिए दुआ कर दें। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। jaidad.com.bk से सैयद वकास। कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो ईडन से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड, मेरा नीचे नंबर चल रहा है, ग्वादर से रिलेटेड, ईडन से रिलेटेड, कराची से रिलेटेड, लाहौर से रिलेटेड, मैं बहुत सारे लोगों के साथ इंटरव्यू करता हूँ। इंटरव्यू इसलिए करता हूँ कि मेरे से ज़्यादा बेटर नॉलेज उनके पास अपनी अपनी स्कीम्स का होता है और वो नॉलेज आप तक पहुँचना चाहिए, ठीक है व्यूअर्स। तो जब हम आपके लिए इतनी छोटी सी एफर्ट कर रहे हैं तो हम सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि काइंडली व्यूअर्स इन वीडियोज़ को थोड़ा शेयर कर दिया करें, वीडियोज़ के नीचे कॉमेंट्स कर दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, उससे हमारा हौसला बढ़ जाता है, हमारी टीम का हौसला बढ़ जाता है। थैंक यू सो मच। jaidad.com.pk से सैयद वकास।